जूता भी आपने उतारा होगा इतनी सर्दी में, क्योंकि हमें झट बाद लहाना पड़ता है। अच्छा, झट बाद लहाना पड़ता है के लिए। जब आया था ना, हाँ, जाम और खड्डे बहुत थे, वो एकदम गिर गया है, दोबारा लहाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं अवैस व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही सर्दी है, सुबह से सूरज नहीं निकला, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से मुझे जुकाम हो चुका है। फजर की नमाज अदा करने के बाद हम पहुंचे हैं इस गाड़ी के सामने। हम लेने जा रहे हैं अपने शहर में खाद लेने के लिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ पहुँच कर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। बाकी हम चाय पीने वाले हैं, चाय पी के फिर हम निकल रहे हैं। गाड़ी से उतरते ही यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन खाद वाला अभी तक कोई नहीं आया है। सारे पहुंचे हुए हैं, अज तक कोई कह नहीं आया। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि ये जो लाइनों में लगना पड़ता है, ये बंदा जो जलील होता है, जो खुवार होता है, इससे बेहतर है कि खाद सस्ती कर दी जाए। ये अंकल खुद भी बता रहे हैं। क्या बताएं, ऐसे हालात तो आपके सामने हैं कि किसान जो है वो उसकी फसलें जो है वो टाइम से नहीं बिकती, अच्छे नरखों में नहीं बिकती, महंगी खादे लेते हैं और खादे भी हमें मिलती हैं तो वो भी लाइनों में जलील और खुवार करके हमें खाद दी जाती है। मेरी 70 कनाल काश्त है और मुझे 2 बोरियां दी जाती हैं। आए दिन हम जो है लाइन में खड़े होते हैं, सारा दिन जाया करते हैं और हमें जो है ना मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जाता। लिहाजा हुकूमत से हमारी अपील है कि भाई किसानों के लिए, ख़ास तौर पर किसानों को, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, किसान खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है, किसानों के बारे में सोचा जाए और किसानों को खादें, बीज और दवाइयाँ, स्प्रे वगैरह जो है वो एक मुनज़म तरीके से दिए जाए, ताकि आगे किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने का ख्वाहिशमंद हो। ये 2 भाई और आ चुके हैं, ये मेरे कज़न नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खाद लेने आए हैं, खाद लेने आए हैं। अभी तक खाद की दुकान नहीं खुली। जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त 7:10 का टाइम था, तो आगे रश लग चुका है। ये मेरे आदमी है, इधर देखें, लाइन सारी लग चुकी है, अभी भी आदमी आ रहे हैं, तो अभी तक ये दुकानें नहीं खुली। की में खाद मिल रही होनी है, दसो के शरी खावनी पौंदी है, के शरी खावनी पौंदी है, के शरी खावनी पौंदी है। इतने देर लाइन में खड़ने के बाद अब मुझे खाद मिल चुकी है। ये इतना ज्यादा रश आप देख सकते हैं, आवाम लड़ रही है, बहुत ही दलील होने के बाद अब खाद मिली है मुझे, 2 बोरियां। खाद लेने के बाद अब हम पहुंचे हैं नाश्ता करने के लिए। धांधा खड़ा, चलो वाती में। अच्छा किश किश है यार, किश नाचन बढ़िया यार, नान ते छोले, नान ते छोले, नान गरम ला के आवे, नान गरम ला के आवे यार। हां निकु सेठ, निकु सेठ लोग पागल कर छोड़ो तुम्हारे। लॉन्ग बनती पई है, लॉन्ग वीडियो बनती पई है। भाई कितने पहले ला चाहिए।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? नान आ गए, गरम लाया है अब भाई जी, गरम नान, गरम नहीं, कितने कितने ये भी नान है जरा, काल से 400। चलो जल्दी आ, छोले लाया, छोले ले आ भाई, छोले ले आ। छोले आ गए, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में बस गाड़ी से उतरते ही चाय पी रहे हैं अंकल से। चाय बन रही है गोड़ वाली, बड़ी कमाल की चाय बनती है। क्या बॉडीगार्ड क्या आन जाते हैं? ठीक पता है, ये बाबा साथी सिल्वर जा रहा है, बाबा ठीक पता है, इसके साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलो बंदे का चक्कर वाली होने मंगवाए होने में तो पावे क्यों से दूजे की तुम्हारी कोई शेर तो सुना, जेड़ा मर्दी आंदा सुना रे। साबण थोड़ा ते मैल घनेरी मत बहवे कनारे रो चादा चलिए ये चेक काम में डाल रहे हैं, तुम उठा उठा कर दीती हो। दीती हूँ, दीती हो सबको देना। दोस्तों आज फिर हम आए हुए हैं दोबारा घास काटने के लिए निकू के साथ। निकू हाथ हिला दें, किवें घास कटन दा बदे बात कटी बैठे या होना है। निकू बिरा के शेर सुना यार, मैया सुना रे। दो पत्तरे अनार आंदे असा ज गरीब हो गए, धक लगने यार आंदे, टैर आंदी मेहनत सारिया हन कल बन गई गैर आंदी। वाह वाह जी वाह, कमाल तेरे डोड़े आंदे मइये आंदे। शेर कई उर्दू है सुना ना, मजा आवे एक दफा। मजा पाजे फटी गई है, मजा मिटी आया ना, जाप पे लगे तो फटी गई है। अच्छा उर्दू में कई शेर सुनाए। जब आया था ना हां, और खड्डे बहुत थे, वो एकदम गिर गया है, दोबारा बनना पड़ेगा। अच्छा अब दोबारा क्या करना पड़ेगा? दोबारा याद करना पड़ेगा, वो तो गिर गया। अच्छा वो गिर गया है, तो दोबारा बनाएंगे ना। हाँ तो फिर बगा चलेंगे ना रोड पे। हाँ इतिहास फिर आपको सुनाएंगे। अच्छा फिर सुनाएंगे आप? फिर सुनाएंगे जी। अच्छा उर्दू में आप याद नहीं करते शेर? याद हम नहीं करते, हमारा ट्रैकी जबान है, ट्रैकी में बहुत अच्छी जबान है, इस वास्ते ना साफ ट्रैकी है। डोड़े माइये भी ट्रैकी में, ट्रैकी में। फरीद साहब कहाँ पानी लगा रहे हो? ये हम जो ना स्प्रे के लिए खालियां भरा रहे हैं। खालियां भरा रहे हैं? हाँ। ये क्या रख रहे हो? वो नसवार है।
ये नसवार है, ये नसवार है, अल्लाह के बंदे, ये तो इससे तो काम चलता है। बीड़ा है हाँ, ये दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा, इससे दिमाग फ्रेश होता है। अच्छा, ये क्या जूता भी आपने उतारा हुआ इतनी सर्दी में? क्योंकि हमें झट बाद लहाना पड़ता है। अच्छा, झट बाद लहाना पड़ता है के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम इससे पूछ रहे हैं, हम पानी वहाँ से मोड़ लें जो ना मोड़े अभी। अच्छा ठीक है। किसे बुला रहे हैं? नईम को। अच्छा, नईम को। नईम तो काफी दूर है। ओ नईम, देख रहे पीछे देख रहे। नईम कैसा बंदा है? नहीं, बहुत अच्छा बंदा है। नहीं, बहुत अच्छा बंदा है। चबल नहीं, बहुत अच्छा बंदा है। तुम जबान मार रहे हो, गलत बात कर रहे हो तुम। मैं इस बंदे की हेल्प कर रहा हूँ। जो इस बंदे ने ये घास काटा है, ये निक्कू ने, तो मैं ये सारा घास इस रेड़े पे रख रहा हूँ। दोस्तों, अब हम लेने जा रहे हैं अपने शहर में स्प्रे, क्योंकि गंदम में ना हो चुका है, जिसकी वजह से ना वो ख़त्म करने के लिए हमें स्प्रे लेनी पड़ेगी, उस पर स्प्रे करनी पड़ेगी। तो हम अपने शहर जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच कर हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये मेरा छोटा भाई मेरे साथ है। दोस्तों, हमने स्प्रे ले लिया है, ये स्प्रे है, और ये फकी है हकीम रशीद से। तो हम करते हैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हंस क्यों रहे हो? बताओ क्यों ऐसे? आपकी बात मेरी बात पे।